नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में आरोप लगाया था कि उसके मुल्क में टारगेट किलिंग के पीछे भारत का हाथ है। इस्लामाबाद ने भारत पर यह आरोप ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर लगाया। वहीं अब इस मामले में अमेरिका का बयान भी सामने आया, जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों पर अमेरिका ने कहा कि हम इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस मुद्दे को सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्टों का अध्ययन कर रहे हैं, हम उन आरोपों को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और अभी हम इस मामले के बीच में नहीं पड़ रहे हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Following the media reports about this issue, we don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution. बता दें कि पिछले दिनों ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उसने कहा था कि पाकिस्तान में हो रहे टारगेट किलिंग के पीछे भारत का हाथ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि भारत ने 2020 में अब तक पाकिस्तान में बैठे 20 आतंकियों का खात्मा किया है। इसके बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि टारगेट किलिंग करना भारत की विदेश नीति में नहीं है। ये मुद्दा इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगा, भारत किसी भी हालत में आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हम उनके घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया है और ना ही कब्जा किया है, लेकिन अगर कोई देश भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद इस चर्चा ने और भी जोरों से सुर्खियां पकड़ ली थी। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें क्लिक इंडिया। धन्यवाद।